नमस्कार। गंजेपन के विषय में मैं दो वीडियो बना चुकी हूँ। पहली वीडियो मैंने बनाई थी खालित्य के ऊपर, उसकी औषधि और उपचार मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी अनुवांशिक गंजेपन के बारे में, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कम उम्र में गंजे हो जाते हैं। और मैं तीसरी वीडियो बनाने जा रही हूँ एलोपेशिया के ऊपर। एलोपेशिया दूसरों के कंघे, तौलिये आदि प्रयोग करने से होता है, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं होटल वगैरह में, तो उनके कंघे तौलिये वगैरह प्रयोग नहीं करने चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने तौलिये कंघे साथ लेकर चलना चाहिए। आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि दूसरों के वस्त्र प्रयोग नहीं करने चाहिए, दूसरों के तौलिये कंघे आदि प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको औषधियाँ बता देती हूँ जिनके प्रयोग से आपका एलोपेशिया 100% ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कोड़ी आती है, कोड़ी जो पहले पुराने समय में मुद्रा में चलती थी, वो एक समुद्री जीव का खोल होता है, जैसे शंख होता है, सीपी होती है, इस तरह से कोड़ी होती हैं, वो आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएंगी। तो आप 5-7 कोड़ी ले आएं और उनको एक चौड़े मुंह की शीशी में डालकर रख दें, और उसमें आप नींबू का रस इतना निचोड़ें कि वे सारी कोड़ियाँ डूब जाएं, और उनको ढक्कन बंद कर ढककर रख दें। 5-7 दिन के बाद आप देखेंगे कि सारी कोड़ियाँ उस नींबू के रस में पिघल जाएंगी और वह एक पेस्ट सी बन जाएगी। फिर आपका आपने जो आपका गंजा सिर हो गया है उस पर ये इसका लेप लगा लेना है। रात को उसका लेप लगाकर सो जाएं। सुबह उठ करके मुल्तानी मिट्टी से अपने सिर को धोएं। उस पर साबुन का और शैम्पू का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। मुल्तानी मिट्टी से धोकर क्या करना है, जो ग्वार पाठा होता है इसका रस निकाल लें। इसका रस निकाल करके अपने सिर पर मालिश करें। ये क्रिया आपने 20-25 दिन तक लगातार करनी है, और आपके 15-20 दिन के बाद ही आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये समस्या एलोपेशिया की आपकी दाढ़ी पर भी हो गई है, दाढ़ी के बाल भी अगर उठ गए हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर लीजिए। और एक प्रयोग मैं आपको और बता देती हूँ जिससे आपके बाल 15-20 दिन में वापस आ जाएंगे। इसके लिए आप भृंगराज का तेल प्रयोग करें। आपको भृंगराज कहीं जैसे नर्सरी में मिल जाएगा, या कहीं जहाँ पर पानी की अधिकता अधिक होती है वहाँ पर होता है। वो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इसका पौधा मिर्च के पौधे जैसा होता है, सफ़ेद फूल आते हैं। इसको ले आए, इसका रस निचोड़ लें, इसको कूट, ये पनियाला होता है, बहुत पानी होता है इसमें, इसको कूट लें और इसका रस निकाल लें। इसके अपने सिर पर मालिश करें। लगातार इसकी मालिश करने से भी आपके सिर पर बाल आ जाएंगे। दूसरा है नीम। नीम के पत्ते रगड़ लें, इनका रस निकाल लें, इनका रस भी रात को लगाकर सो जाएं। सुबह उठकर मुल्तानी मिट्टी से अपना सिर धोएं और अपने सिर पर वही गवार पाठे का रस लगाएं। लगातार 20-25 दिन इसका प्रयोग करते हैं तो आपके एलोपेशिया समाप्त हो जाएंगे, आपका गंजापन समाप्त हो जाएगा, आपके सिर पर बाल आ जाएंगे। फिर एक प्रयोग और है, वो है बेरी। बेरी के पत्ते भी इसमें बहुत उपयोगी होते हैं। बेरी के पत्ते ले लीजिए, उनकी चटनी बनाइए। उनकी चटनी बना करके उनका रस निकाल लीजिए या उनका लेप लगा लीजिए रात को सोते समय, और सुबह उठ करके अपने सिर को मुल्तानी मिट्टी से धोइए। मुल्तानी मिट्टी से धोने के बाद अपने सिर पर जो देसी गाय होती है उसके गोमूत्र की मालिश करिए। लगातार अगर आप देसी गाय के गोमूत्र की 20-25 दिन मालिश करते हैं तो आपका गंजापन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आपका एलोपेशिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक औषधि और बता देती हूँ जिसके प्रयोग से आपके गंजेपन पर बहुत शीघ्र बाल आएंगे, वो होता है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज का भी आप रस निकाल लीजिए, उसका रस भी आप रात को अपने सिर पर लगाकर सोइए। सुबह उठ करके मुल्तानी मिट्टी से अपना सिर धोइए। मुल्तानी मिट्टी से सिर धोने के बाद आप अपने सिर पर ब्राह्मी तेल की मालिश करिए। ब्राह्मी तेल बनाने का तरीका मैंने पहली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है तो मैं दोबारा से आपको ब्राह्मी तेल बनाने का तरीका बता देती हूँ। ब्राह्मी एक लतासी होती है, बेल सी होती है, जो पानी की जगह पर होती है, नदियों के किनारे होती है। और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है
तो नर्सरी के यहाँ से आपको मिल जाएगी, नर्सरी वाले आपको दे देंगे। तो उसका प्रयोग कैसे करना है, ब्राह्मी का आप चूर्ण ब्राह्मी की आप चटनी बना लें और उस चटनी को तेल में डाल लें, जो तेल आप प्रयोग करते हैं। सरसों का प्रयोग करते हैं तो सरसों के तेल में डाल लें। अगर आप गोले का प्रयोग करते हैं जिसको नारियल तेल कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें डाल लें, उसमें डाल करके उसको जला लें, उसको इतना पकाएं कि ब्राह्मी कोयले की तरह काली हो जाए और तेल शेष रह जाए, तो उसको उसमें से निकाल लें, निकाल कर एक शीशी में भर लें। ये आपका हो गया ब्राह्मी तेल। इसके मालिश से भी आपका गंजापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसके लिए औषधियाँ तो अनेकों हैं, लेकिन आप कोई भी एक औषधि प्रयोग कर लेना। इसमें एक बहुत ही उपयोगी औषधि और है, कनेर। कनेर के पत्तों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कनेर के पत्ते ले लें आप, कनेर के पत्ते लेकर के उसको भी आप तेल में डाल लें, जो भी तेल आप प्रयोग करते हैं, और तेल को इतना गर्म करें कि कनेर के पत्ते जल जाए, कोयले की तरह काले हो जाएं। फिर उस तेल को निथार लें, निथार करके उसको अपनी शीशी में भर कर रख लें और उससे अपने उस तेल से अपने सिर में मालिश करें, उससे भी आपके सिर में बाल आ जाएंगे। पर ध्यान आपको ये रखना है, कनेर का जो पत्ता होता है जहरीला होता है, इसका दूध इसका रस आँख में ना लग जाए। अगर आँख में लग जाएगा तो इससे आँख चली जाती है। दूसरा प्रयोग में एक और आपको बता देती हूँ, गुलर होता है, एक गुलर का पौधा, उसके पत्तों का आप प्रयोग कर लीजिए, उसके पत्तों का रस निकाल लीजिए या उसके पत्तों की चटनी बना लीजिए, उसका भी आप तेल बना सकते हैं। जो आप तेल प्रयोग करते हैं उस गुलर के पत्तों की चटनी उस तेल में डाल लीजिए, डालकर धीमी आंच से पकाइए। पकते पकते जब गुलर के पत्तों की चटनी काली हो जाएगी, कोयले जैसी हो जाएगी, तेल शेष रह जाएगा, तो तेल को नितार कर एक शीशी में भर लें। उस तेल की मालिश करने से भी आपके गंजापन जो है समाप्त हो जाएगा, आपका एलोपेशिया समाप्त हो जाएगा और आपके सिर पर काले बाल आ जाएंगे और स्वस्थ बाल आएंगे। लगातार अगर आप इन तेलों का प्रयोग करते हैं तो आप कभी गंजेपन के शिकार नहीं होंगे। इनका प्रयोग करने से आपको एक लाभ और मिलेगा, आपके बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, आपके बाल घिनके रहेंगे।